हमने भाई लाइन उठा कर अब फोन करता हूँ। देवेंद्र भाई मेरे पास लाइसेंस है। अरे जियो सर चार दिन के लिए सिर्फ छोटे व्यापारियों की उसको देखते हुए पब्लिक की वो देखते हुए प्रतिबंध के साथ अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया है तो उसमें अनुमति में सब प्रतिबंध लिखे रहेंगे, प्रतिबंध का पालन करते हुए और हम चार दिन की अनुमति देंगे। अभी हमने कल जो है कुछ दुकानों का निरीक्षण किया है, वो लोग लाइसेंसी हैं, बिक्रे बेचने का उनको परमानेंट लाइसेंस है। उसमें चार दुकानों का हुआ था और बाकी शाम हो गई, कुछ त्यौहार में चले गए, बाकी मौका मिलने पर आजकल दो तीन दिन तक जांच होगी। बदायूं हादसे के बाद भी जौनपुर का प्रशासन अभी सजग नहीं हुआ है, जिसके चलते शहर में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पटाखे की दुकानों को खुलेआम लाइसेंस बांट दिया गया है। ये दुकानें घनी आबादी में हैं और जहां पे मानकों को ताक पर रखकर दुकानों चलाई जा रही हैं। पटाखों में अगर कहीं हादसा होता तो निश्चित रूप से बड़ी हानि भी होगी। प्रशासन इन पटाखे की दुकानों के माध्यम से हादसों को खुला आमंत्रण भी दे रहा है। धर्मेंद्र सिंह, ईटीवी भारत, जौनपुर।